नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं, बड़ी खबर आपको देंगे। मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, मंत्रिमंडल विस्तार का समय बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार और बढ़ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज है मंत्रिमंडल का विस्तार। अब बुधवार के बाद विस्तार होने की संभावना है। मंत्री बनने की कतार में खड़े विधायक बेचैन हो रहे हैं और राजभवन में मंत्रिमंडल शपथ की तैयारियां जोर शोरों पर है। मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए राजभवन तैयार है। राजभवन में शामियाना लगाने का काम लगातार जारी है। 16 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। 12 कैबिनेट हैं, 4 राज्य मंत्री बनाए जाने के आसार हैं और विस्तार के 48 घंटे बाद विभाग बंटने के आसार बताए जा रहे हैं। तो ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज से ठीक 2 दिन बाद, यानी कि बुधवार को, आज सोमवार है और बुधवार को जो है राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। और क्योंकि अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, हालांकि जो है विधायक है उनकी जो धड़कने हैं वो बड़ी हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कब क्या हो जाए ये किसी को भी मालूम नहीं रहता है। क्योंकि कई नाम चल रहे थे सीएम के रेस में, लेकिन आखिरकार जो नाम चल ही नहीं रहा था वो नाम जो है आज सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। और ऐसे में 2 डिप्टी सीएम जो है उन्होंने भी शपथ ले ली है। अब इंतजार है कैबिनेट का, वो कैबिनेट जो आगे सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाएगी, वो कैबिनेट जो बड़े फैसले लेगी और किस तरीके से राजस्थान में आगे सरकार काम करने वाली है उस पर जो है चर्चा की जाएगी। तो मंत्रियों के शपथ दिलाने को लेकर जो है राजभवन तैयार हो रहा है। राजभवन में शामियाना लगाने का काम लगातार जारी है और 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है बुधवार को। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। 12 कैबिनेट होंगे, 4 राज्य मंत्री होंगे जिन्हें बनाए जाने के आसार, इस वक्त जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विस्तार के 48 घंटे बाद विभाग बंटने के आसार हैं। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही है। ये बुधवार के बाद विस्तार होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए राजभवन तैयार है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि लंबा इंतजार सीएम के चेहरे को लेकर करना पड़ा था। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ गए थे, उसके करीब 9 से 10 दिन बाद जो है सीएम का चेहरा अनाउंस किया गया था और उसके बाद अब जो है मंत्रिमंडल के विस्तार में समय लग रहा है। 48 घंटे बाद विभाग बंटने के आसार हैं, ये जानकारी इस वक्त आपको दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल विस्तार का समय जो है वो बड़ा है। मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए राजभवन तैयार है और राजभवन में तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं और इसी तरीके से माना जा रहा है जैसे आज मध्य प्रदेश में, उसी तरीके से बुधवार को राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।